हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। रीमान इंटीग्रेशन के इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे इंटीग्रेबिलिटी ऑफ ए फंक्शन की। इससे पहले हमने पार्टीशन पढ़ा, डारबाग सम पढ़े, डारबाग सम्स के कुछ रिजल्ट्स पढ़े, बट रीमान इंटीग्रेशन जो हमारा मेन टॉपिक है उसकी अभी तक हमने बात नहीं की। तो इसमें हम यही जानेंगे कि किसी फंक्शन को हम इंटीग्रेबल या फिर रीमान इंटीग्रेबल कब बोलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद अ फंक्शन एफ डिफाइंड ओवर द इंटरवल ए बी। मोर प्रिसाइजली वी कैन से दैट एफ इज ए बाउंडेड रियल फंक्शन डिफाइंड ओवर द इंटरवल ए बी। इसमें बाउंडेड, देखिए लास्ट क्लास में हमने एक इनइक्वालिटी देखी थी, दैट इज एम इंटू b माइनस ए इज लेस देन इक्वल्स टू एल एफ पी लेस देन इक्वल्स टू यू एफ पी लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल m इंटू b माइनस ए, वेयर स्मॉल m इज द इन्फीमम ऑफ f ओवर ए बी एंड द कैपिटल m इज द सुप्रीमम ऑफ f ओवर ए बी। अब देखिए ये इनइक्वालिटी, इसका इंपॉर्टेंस क्या है इनइक्वालिटी का। एक्चुअली दिस सेज दैट फॉर एनी पार्टीशन p एल एफ पी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस नंबर, और ये क्या हमारा एक रियल नंबर है। ऐसी एल एफ पी इज लेस देन इक्वल्स टू दिस नंबर एंड दिस वन आल्सो ए रियल नंबर। दैट मीन्स इफ यू टेक दिस सेट एल एफ पी वेयर पी इज ए पार्टीशन ऑफ ए बी, जैसे जैसे पार्टीशन चेंज करेंगे हम इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। सो वी हैव टेकन द कलेक्शन ऑफ ऑल द लोअर डारबाग सम ऑफ एफ ओवर पी वेयर पी इज एन आर्बिट्री पार्टीशन। तो ये जो सेट होगा, अब देखिए ये एल एफ पी हमेशा इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा, दैट मीन्स दिस सेट इज बाउंडेड। जब हर एक नंबर के लिए हमें एक बाउंड मिल रहा है, दैट मीन्स दिस सेट इज बाउंडेड और इट इज ए बाउंडेड सबसेट ऑफ आर, और आर के किसी भी बाउंडेड सबसेट का सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करता है। सो वी कैन टेक द सुप्रीमम ऑफ दिस वन, सो लेट सुप्रीमम ऑफ दिस सेट एंड वी डिनोट दिस सुप्रीमम बाय एल एफ एंड दिस वन इज नोन एज लोअर डारबाग इंटीग्रल। देखिए लोअर डारबाग सम और लोअर डारबाग इंटीग्रल दोनों अलग अलग है। लोअर डारबाग सम क्या है, ये वैल्यू फॉर पर्टिकुलर पार्टीशन पी एल एफ पी, और लोअर डारबाग इंटीग्रल क्या है, इट इज द सुप्रीमम ऑफ ऑल द लोअर डारबाग सम। इन द सेम वे अगर हम ये सेट लें, दैट इज यू एफ पी वेयर पी इज ए पार्टीशन ऑफ ए बी, अगेन ये सेट भी क्या होगा हमारा, बाउंडेड होगा, क्योंकि देखिए यू एफ पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस वन एंड लेस देन इक्वल टू दिस नंबर। So we can take infimum of or supremum over this one. So if we take infimum of this one, so this is a real number and we say that this one is UF, that is infimum of this set is denoted by UF, which is known as upper Darbux integral. So LF ko hum kya bolte hain, lower Darbux integral, aur UF ko hum upper Darbux integral. अब देखिए इन दोनों में रिलेशन क्या है। हमने जब ये इनइक्वालिटी की थी उसी क्लास में हमने ये भी देखा था कि फॉर एनी पी एंड क्यू एल एफ पी इज लेस देन इक्वल टू यू एफ क्यू, फॉर एनी पार्टीशन पी एंड क्यू ये इनइक्वालिटी हमेशा होल्ड करती है। सो दैट मीन्स अगर हम यहां से एक एल एफ पी ले और यहां से कोई क्यू पार्टीशन के करस्पॉन्डिंग यू एफ क्यू ले, तो दोनों में क्या रिलेशन होगी, दिस वन दैट इज एल एफ पी इज लेस देन इक्वल टू यू एफ क्यू, यानी यहां का हर एक मेंबर इस सेट का क्या है, लोअर बाउंड है। सो और इन्फीमम क्या होता है इसका, इन्फीमम इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। सो जो इस सेट का इन्फीमम है उसको क्या है हमारा यू एफ, दिस इज यू एफ, सो दिस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल एफ पी, क्योंकि एल एफ पी जो है इस सेट का लोअर बाउंड है और यू एफ जो है वो इस सेट का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। सो एल एफ पी इज लेस देन इक्वल टू यू एफ एंड अब देखिए यू एफ जो है हर एक एल एफ पी से बड़ा है, दैट मीन्स इसके सुप्रीमम से बड़ा होगा,
So this implies LF is less than equals to UF. Yani lower Darboux integral is always less than equals to upper Darboux integral. So we have two cases here, whether LF is less than UF or LF is equals to UF. क्योंकि LF is less than equals to UF, ठीक है? अब देखिए, अगर LF less than UF है, then we say that F is not integrable. And if LF is equals to UF, then we say that F is integrable. So we say that a function F is integrable on AB if LF equals to UF. And in this case, this common value, देखिए ये क्या होगा, ये एक real number है हमारा, यानी common value होगी, this integral is denoted by ABF or ABFDX, या फिर ABFXDX, यानी this one is, this value is actually the integral value of F over DX over the interval AB. ठीक है, सो वी कैन गिव ए प्रॉपर डेफिनेशन. ए बाउंडेड फंक्शन एफ डिफाइंड ओवर ए बी टू आर इज सेट टू बी इंटीग्रेबल इफ एल एफ इक्वल्स टू यू एफ, वेयर एल एफ एंड यू एफ हैव अ प्रॉपर डेफिनेशन, दैट इज दीज आर लोअर डार्बक्स इंटीग्रल एंड अपर डार्बक्स इंटीग्रल. In some books, you will find out that this lower Darboux integral is actually denoted by A underscore B FDX. In the same way, this upper Darboux integral is denoted by A B ke upper bar FDX. And this common value, agar ye equal hai, this one is denoted by AB F or AB FDX or AB FXDX. यहाँ पे भी आप करस्पॉन्डिंग नोटेशन ले सकते हो. अब आप कहोगे कि इसमें रिमान कहाँ से आ गया, ये तो इंटीग्रेबिलिटी डिफाइन कर दी, अब रिमान इंटीग्रेशन क्या है. एक्चुअली रिमान इंटीग्रेशन की जो ओरिजिनल डेफिनेशन है वो कुछ अलग है इससे, बट दैट डेफिनेशन इज इक्विवेलेंट टू दिस डेफिनेशन. और ये डेफिनेशन एक्चुअली हम डार्बक्स सम से ले रहे हैं या फिर डार्बक्स द्वारा दी गई है. तो सम स्पेशलिस्ट कॉल दिस इंटीग्रल एज डार्बक्स इंटीग्रल, ठीक है. बट अगर आपसे रिमान इंटीग्रेशन की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप यही स्टेट कर सकते हो, क्योंकि रिमान इंटीग्रेशन की डेफिनेशन और डार्बक्स इंटीग्रल की डेफिनेशन या फिर इंटीग्रेबिलिटी की डेफिनेशन तीनों क्या है, इक्विवेलेंट है एक दूसरे के. ओके, सो इन दिस केस दिस कॉमन वैल्यू इज डिनोटेड बाय ए टू बी एफ इक्वल्स टू, ठीक है, कंडीशन सिर्फ ये है हमारे यहाँ पे, दैट इज एल एफ इक्वल्स टू UF. अगर ये है तो वो इंटीग्रेबल है, और अगर इक्वल है तो उस वैल्यू को हम बोलते हैं इंटीग्रल वैल्यू ऑफ F. लेट अस डू एन एग्जांपल. सो वी हैव दिस फंक्शन F डिफाइंड ओवर द इंटरवल AB वेयर FX इक्वल्स टू 1 इफ X इज रैशनल इन AB एंड FX इक्वल्स टू 0 इफ X इज इररैशनल इन AB. सो इज F इंटीग्रेबल ऑन AB? सो वी हैव टू चेक द इंटीग्रेबिलिटी ऑफ F over the interval AB. Okay, so इसके लिए हमें क्या चेक करना होगा, whether UF is equals to LF, ये हमें चेक करना होगा एक्चुअली. और UF और LF निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, LFP, एंड UF निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, UFP. ठीक है, so let P A equals to T naught less than T1 less than T2 less than Tn equals to B. B a partition of AB. हमने कोई भी एक आर्बिटरी पार्टीशन लिया. अब देखिए UFP और LFP निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें स्मॉल mi चाहिए, दैट इज इनफिमम ऑफ F ओवर द इंटरवल Ti माइनस 1 टू Ti. ऐसे ही UFP निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, कैपिटल mi. अब देखिए कोई एक आर्बिटरी सब इंटरवल लेते हैं यहाँ पे, दैट इज टी आई माइनस वन टू टी आई. अब ये एक
एक आर्बिट्री सब इंटरवल है रियल लाइन का। अब इसमें बहुत सारे हमारे रैशनल नंबर होंगे और बहुत सारे इरेशनल नंबर होंगे। अब जैसे ही रैशनल नंबर मिलेगा यहाँ पे, तो उस पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, वन, और फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारी, वन ही है। तो इस इंटरवल पे सुप्रीमम क्या होगा एफ का, ऑब्वियसली वन, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू क्या है यहाँ पे अगर हम देखें, सो एफ ऑफ टी आई माइनस वन टू टी आई, मतलब इसकी अगर हम इमेज निकाले इस सब इंटरवल की, तो क्या होगी, जीरो एंड फन ओनली, क्योंकि कम से कम एक रैशनल नंबर मिल जाएगा यहाँ पे और एक इरेशनल नंबर मिल जाएगा, बिकॉज बिटवीन एनी टू रियल नंबर देर इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर। सो ये देखिए, एफ ऑफ दिस इंटरवल इज जीरो वन, एंड क्लियरली इनफिमम इज जीरो, दैट इज सिंप्लाइज एम आई एस जीरो एंड सुप्रीमम इज वन, सो कैपिटल एम आई एस वन। सो फॉर एनी सब इंटरवल स्मॉल एम आई एस जीरो, सो अगर हम एल एफ पी निकालें, दिस वन इज समेसन आई फ्रॉम वन टू एन एम आई इन टू डेल्टा टी आई। अब एम आई जब जीरो है तो ये कुछ भी हो, ये क्या होगा हमारा जीरो, सो दिस वन इज जीरो, सो एल एफ पी इज जीरो फॉर दिस पार्टीशन पी। और ये क्या लिया था हमने, आर्बिटरी, सो एल एफ पी इक्वल टू जीरो फॉर ऑल पी। सो जब हर एक पी के लिए एल एफ पी जीरो है, तो उनका सुप्रीमम क्या होगा, ये देखिए एल एफ क्या था, सुप्रीमम ऑफ दिस सेट, और एल एफ पी हमारा जीरो है, मतलब ये जीरो सेट है खाली, सो इसका सुप्रीमम क्या होगा, जीरो, दैट मीन्स एल एफ इज जीरो, सो दिस इंप्लाइज एल एफ इक्वल्स टू जीरो। चलिए अब देखते हैं यू एफ, तो उसके लिए हमें यू एफ पी चाहिए, सो यू एफ पी इक्वल्स टू समेसन आई फ्रॉम वन टू एन कैपिटल एम आई डेल्टा टी आई, और कैपिटल एम आई क्या है हमारा, कैपिटल एम आई इज वन फॉर एनी आई, ठीक है, दिस वन इज फॉर ऑल आई, सो दिस वन इज इक्वल टू समेसन आई फ्रॉम वन टू एन डेल्टा टी आई, और समेसन डेल्टा टी आई क्या होगा, ये देखिए अगर हम रियल लाइन पे देखें, दिस वन इज ए बी, दिस वन इज टी नॉट टी वन टी टू सो ऑन टी एन माइनस वन एंड दिस वन इज टी एन। एक्चुअली डेल्टा टी आई क्या डिनोट कर रहा है, लेंथ ऑफ सब इंटरवल, यानी दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ एंड सो ऑन, सो दिस टोटल लेंथ इज बी माइनस ए, सो दिस वन इज बी माइनस ए, सो यू एफ पी इज बी माइनस ए इरिस्पेक्टिव ऑफ पी। पी हमने क्या लिया था यहाँ पे, आर्बिटरी, सो यू एफ दैट इज अपर डारबक्स इंटीग्रल, दिस वन विल बी बी माइनस ए, और ए और बी हमारे इक्वल नहीं है, सो दिस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, और जीरो क्या था हमारा, दिस वन इज एल एफ, यानी हमारे हमें क्या मिला, एल एफ इज नॉट इक्वल टू यू एफ, सो दिस सेज दैट दिस एफ इज नॉट इंटीग्रेबल, सो दिस इंप्लाइज एफ इज नॉट इंटीग्रेबल, यानी ये जो फंक्शन है इसको एक्चुअली हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। ओके, सो दिस वन इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल एंड वन एग्जांपल, एग्जांपल की हेल्प से मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि कैसे हम चेक कर सकते हैं कि एक फंक्शन हमारा इंटीग्रेबल है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हमने एक आर्बिटरी पी लिया तो उससे हमारा काम हो गया, लेकिन हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ऐसा कर पाओ। यहाँ पे एक्चुअली एम आई और कैपिटल एम आई इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी हमारे पास किसी भी पार्टीशन के लिए, यानी यू एफ पी और एल एफ पी किसी भी पार्टीशन के लिए हमें सेम मिल रहा था, लेकिन ऐसा हर केस में नहीं होगा। सो ऐसा हर केस में नहीं होगा तो हमें पार्टीशन तो इनफाइनाइट मिल सकते हैं। अब इनफाइनाइट पार्टीशंस का हर एक की वैल्यू निकालनी, हर एक के लिए एल एफ पी निकालना, फिर सुप्रीमम इनफिमम निकालना, ये एक
हम नहीं कर सकते, क्योंकि जहां पे भी इनफाइनाइट आ गया तो हम ये प्रोसेस अनएंडिंग प्रोसेस हो जाएगी. सो ऑब्वियसली वी रिक्वायर सम अनदर क्राइटेरिया फॉर द इंटीग्रेबिलिटी एंड नाउ वी विल एक्सप्लेन दैट क्राइटेरिया. ये तो हमें डेफिनेशन हुआ. अब देखिए UF इक्वल्स टू LF, एक्चुअली डेफिनेशन हमारी ये है. अगर ये इक्वल हुए तो हम बोलते हैं कि फंक्शन इज इंटीग्रेबल. अब इसका क्या मतलब है, देखिए ये हमारा इन्फीमम है UFP का और ये है सुप्रीमम LFP का. जब ये दोनों इक्वल होंगे दैट मीन्स UFP एंड LFP दीज आर क्लोज टू ईच अदर फॉर सम पार्टीशन P. और इसका क्या मतलब है कि UFP माइनस LFP ये क्या होगा, मतलब बहुत पास में होगा, दैट इज जीरो के पास में होगा. तो दैट मीन्स दिस वन इज लेस देन फॉर सम एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन इज वेयर सम स्मॉल रियल नंबर. सो इसी को हम रीराइट कर सकते हैं कि ए फंक्शन f इज इंटीग्रेबल इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन p सच दैट UFP माइनस LFP इज लेस देन एप्सिलॉन. यानी अगर इस डिस्टेंस को UFP और LFP को हम अपनी मर्जी से जितना छोटा चाहे उतना छोटा कर सकें तो क्या होगा, UF और LF इक्वल हो जाएंगे तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेबल. सो दिस वन इज अवर नेक्स्ट रिजल्ट, दैट इज वी स्टेट दिस एज ए थ्योरम, थ्योरम 32.5. एक्चुअली आपकी बुक में, जिस बुक को मैं रेफर कर रहा हूँ, इस बुक में इस थ्योरम का नंबर है 32.5. सो आई विल रेफर हियर बाय दिस नंबर. ए बाउंडेड फंक्शन f ऑन ए बी इज इंटीग्रेबल इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन p ऑफ ए बी सच दैट UFP माइनस LFP लेस देन एप्सिलॉन. अब देखिए हम जब भी हायर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो जब भी ऐसी इनइक्वालिटी लिखते हैं तो यहाँ पे हम मॉडुलस साइन लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं लगाया हमने. वो इसलिए क्योंकि ये नंबर हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो ही होता है, क्योंकि UFP इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू LFP, इसलिए हमने यहाँ पे मॉडुलस साइन नहीं लगाया, यानी उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है. सो अगर हर एक एप्सिलॉन के लिए हमें एक पार्टीशन मिलता है P such that UFP minus LFP is less than epsilon, then we say that F is integrable. जैसे हम लिमिट और कंटिन्यूटी में करते हैं, लिमिट में करते हैं, इन द सेम वे वी कैन प्रूव द इंटीग्रेबिलिटी बाई यूजिंग दिस थ्योरम. ओके, सो दिस वन इज ऑल अबाउट इंटीग्रेबिलिटी ऑफ ए फंक्शन. आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स. सो मैं आपको कहूँगा कि आप डेफिनेशन की हेल्प से एग्जाम्पल्स करिए, जिससे कि आपकी डेफिनेशन की अंडरस्टैंडिंग बढ़े. थैंक यू.